अगर मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा हिंदी बोलती हूँ तो आप लोग समझ लेना, क्योंकि मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती है। हेलो पीपल, मैं इंद्राणी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। और आपको तो पता ही है आज का वीडियो क्यों हिंदी में है और मैं क्यों हिंदी में बात कर रही हूँ। और आज का वीडियो भी है BCA ऑनर सिस्टम के बारे में। ये सब कुछ आपको पता है क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था ये, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ दीदी आप हिंदी में वीडियो बना सकते हो, हम लोग हिंदी समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे बंगाली व्यूअर्स भी जैसे हैं वैसे ही मेरे हिंदी व्यूअर्स भी है, तो हम जो बंगाली लोग हैं हम लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी तो समझ में आता है, लेकिन जो हिंदी में बात करते हैं उनको बंगाली समझ में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो चलो हिंदी में करते हैं। तो ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो BCA ऑनर सिस्टम का जो मैं वीडियो आप देख रहे हो, ये सिर्फ शिलीगुड़ी कॉलेज में BCA ऑनर सिस्टम कैसे है, कैसा है व कैसा होगा उसके ऊपर है, किसी और कॉलेज के ऊपर नहीं है। क्योंकि किसी और कॉलेज का सिस्टम ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। और एक बात, ये ऑनर्स सिस्टम जो ये सिर्फ BCA के लिए मैं आपको बता रही हूँ, किसी और जो ऑनर्स के पेपर है शिलीगुड़ी कॉलेजेस में, जो शिलीगुड़ी कॉलेज में जो और ऑनर्स के पेपर है उसका भी यह सिस्टम ऐसा ही होगा ये भी मुझे नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ शिलीगुड़ी कॉलेज का BCA का ऑनर्स सिस्टम कैसा होगा उसके ऊपर ही ये वीडियो आप देख रहे हो। प्लीज़ बैकग्राउंड में जो साउंड है उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तो चलिए मैं जो कंटिन्यू कर रही थी वो कंटिन्यू करते। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ऑनर्स सिस्टम अब हो गया है 4 ईयर में, ऑफिशियली ये अनाउंस भी हो चुका है। तो हाँ BCA भी अब हो गया है 4 ईयर्स का। शिलीगुड़ी कॉलेज में अगर आपको BCA करना है तो आपको 4 ईयर पढ़ना पड़ेगा, और 4 ईयर में आता है दो करके सेमेस्टर, मतलब कि 2 सेमेस्टर में एक एक ईयर कंप्लीट होता है। एक होता है और सेमेस्टर, एक होता है इवेंट। अब इवेंट सेमेस्टर और सेमेस्टर तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन जो सेमेस्टर होंगे वो होंगे और सेमेस्टर, एंड जो रेस्ट है वो होंगे इवेंट सेमेस्टर। तो शिलीगुड़ी कॉलेज आता है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंडर में, और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी BCA के लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस दिए हैं। वो है कि आपको 4 ईयर का अगर BCA ऑनर्स सिस्टम ऑनर्स डिग्री पाना है तो आपको कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर रूल्स मानने के दौरान, अगर ये जो आपका पढ़ाई चल रहा है उसके दौरान अगर आप कोई एक ईयर करते करते BCA छोड़ देते हो तो कॉलेज आपको एक सर्टिफिकेट देगा। सपोज़ कि आप फर्स्ट ईयर करते करते BCA छोड़ दिए हो तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप सेकेंड ईयर करते करते BCA छोड़ देते हो तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आप थर्ड ईयर करते करते BCA छोड़ देते हो तो आपको मिलेगा प्लेन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और अगर आप फोर्थ ईयर जाते हो, पास करते हो, तभी आपको मिलेगा BCA ऑनर्स डिग्री का सर्टिफिकेट। अब एक ट्विस्ट है कुछ, आप एक एक ईयर में या फिर एक एक सेमेस्टर में कैसे पास होंगे? तो आपको एक एक सेमेस्टर में पास होने के लिए थियोरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों में पास होने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों के सिस्टम तक यही रूल्स है कि अगर टोटल जो मार्क्स है उसमें से आपको किसी भी तरह से थियोरी से पास मार्क्स जो है वो मिल जाता है, या फिर प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स मिला के अगर आपको पास मिल जाता है तो वो किसी भी तरह से अगर आपको टोटल जो नंबर है एक एक सब्जेक्ट का उसका पास मार्क्स मिल जाता है तो आपको उस सब्जेक्ट में सप्री नहीं मिलेगा। सपोज़ कि एक एक सब्जेक्ट होता है 75 मार्क्स में और पास मार्क्स जो है वो 24, 25, 30 के आसपास होता है, तो आपको प्रैक्टिकल और असाइनमेंट मिला के आपको 32, 35 मिल गया, ठीक है, और आपको थ्योरी में लड्डू मिला तब भी आप पास हो, आपको उस सब्जेक्ट में सप्री नहीं मिलेगा। लेकिन जो न्यू ऑनर्स सिस्टम है वो बोल रहा है कि थ्योरी पेपर का एक पास मार्क्स रहेगा और जो प्रैक्टिकल पेपर रहेगा उसका भी एक पास मार्क्स रहेगा, आपको दोनों में पास करना है तभी आप उस सब्जेक्ट में पास कर पाओगे, नहीं तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा सप्ली। और अगर इवेंट सेमेस्टर में सप्ली मिलता है तो नेक्स्ट इवेंट में वो आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट फिर से एग्ज़ाम, और अगर और सेमेस्टर में सप्ली मिलता है तो दूसरे नेक्स्ट जो और सेमेस्टर होंगे उसमें आपको वो एग्ज़ाम फिर से दोबारा देना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम्स है वो तो है ही, दोबारा से जिसमें आपको सप्ली मिला है जूनियर्स के साथ वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ ईयर में कुछ ट्विस्ट है, सिर्फ आप छोड़ दे रहे हो इसी से आपको थर्ड ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा और आप फोर्थ ईयर में नहीं जा पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो पढ़ना, आप पास करके आपको फोर्थ ईयर जाना है तो अब जा पाओगे, वैसा नहीं है। कॉलेज को भी लगना चाहिए कि हाँ तुम फोर्थ ईयर जाने के काबिल हो। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको पिछले फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के सारे सेमेस्टर्स मिला के 75% से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप फोर्थ ईयर में जा पाओगे, तभी कॉलेज आपको फोर्थ ईयर जाने के लिए ग्रांट करेगा। और
अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में अच्छे से पास करते हो तभी आप फोर्थ ईयर में जा पाओगे, कॉलेज आपको ग्रांट कर पाएगा, ग्रांट करेगा और आप भी जा पाओगे और आपको मिलेगा कंप्लीट करने पे, फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा BCA ऑनर्स डिग्री सर्टिफिकेट। अब आते हैं BCA ऑनर्स दो तरह के, एक है BCA ऑनर्स और एक है BCA ऑनर्स विद रिसर्च। तो BCA ऑनर्स तो नॉर्मल BCA ऑनर्स ही है और BCA ऑनर्स रिसर्च है कि BCA ऑनर्स के सब्जेक्ट्स के साथ आपको कुछ रिसर्च पेपर भी मिलेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में, मतलब कि जो PhD में होता है वही। तो ये शायद सिलीगुड़ी कॉलेज में नहीं है, अभी तक है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोगों के अभी तक तो नहीं है, न्यू आएगा कि नहीं आएगा वो अभी तक नहीं पता है, अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ज़्यादातर 90% चांसेस यही है कि वो नहीं रहेगा, कि BCA ऑनर्स विद रिसर्च ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा सिलीगुड़ी कॉलेज में। अब आते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम किस परसेंटेज पे आएगा, आप लोग बहुत मुझे कमेंट करते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे क्वेरीज करते हो कि कैसे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा दीदी। तो मेरिट लिस्ट में नाम हर एक ईयर हर एक तरह से आता है, जो जैसे कि मानो लास्ट ईयर में था जनरल के लिए शायद 88% और SC ST के लिए था 73%। ये हर एक साल ना वैरी करता है, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, किस किस क्वालिटी के स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर ज़्यादा तक अच्छे क्वालिटी हो तो थोड़ा मार्क्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। अगर ज़्यादा तक खराब स्टूडेंट्स हो, मतलब कि जिसका परसेंटेज कम रहता है, खराब नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि जिसका परसेंटेज कम रहता है, अगर ज़्यादातर परसेंटेज कम रहते हैं तो फिर वो कम हो जाता है, मेरिट लिस्ट का मार्क्स कम हो जाता है, परसेंटेज कम हो जाता है। तो ये हर एक साल वैरी करता है कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया। तो इस साल का भी आप मान ही लो, लास्ट ईयर का अगर आप पकड़ के चलो तो इस साल का भी वैसा ही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब लोगों ने HS दिया तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मार्क्स अच्छे लाए हैं या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मार्क्स एवरेज लाए हैं। तो ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो BCA ऑनर्स के लिए अभी तक हमारा जो सब्जेक्ट सिस्टम था वो था कोर कोर्स, मतलब कि जो ऑनर्स पेपर है वो, उसको बोलते हैं CC पेपर, और था ACC पेपर, और था AECC पेपर, और था GE पेपर। अब CC पेपर्स को तो ऑनर्स पेपर ही बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑनर्स पेपर के जगह उसको बोलेंगे मेजर पेपर्स, और जो ACC GE AECC पेपर थे उसको हम बोलेंगे माइनर पेपर्स। समझ में आया आपको, जो ऑनर्स के पेपर है उसको बोलेंगे मेजर पेपर्स, और जो सेफ पेपर है, जो AECC पेपर है और जो GE पेपर है, उन तीनों को एक साथ बोलेंगे माइनर पेपर्स। इन माइनर पेपर में जो AEC होता है वो तो कंपलसरी होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और जो ACC होता है मतलब कि सेफ पेपर, वो भी कंपलसरी है, वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप सिर्फ चूज़ कर पाओगे जो GE का अंडर आता है। GE के अंडर तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स, एक है इकोनॉमिक्स और एक आता है मैथ्स। इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ चूज़ करने को मिलेगा कि आप तीनों में से कौन दो रखना चाहते हो और एक को हटाना चाहते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैथ मत लीजिएगा, अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ बिल्कुल मत लीजिएगा। आप इस जो कहते हैं क्या है आप जो इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही रखिएगा, मैथ को टोटली अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ईयर मिला के आपको 75% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तभी आप फोर्थ ईयर में जा पाओगे। और अगर आप मैथ लोगे, अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हो तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा, आपको मे बी सब्जेक्ट भी मिल सकता है, तो फिर आपको फोर्थ ईयर में जाने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप मैथ को अवॉइड करिएगा, जैसे कि मैंने भी मैथ को टोटली अवॉइड किया है। मेरा मैथ कोई भी सेमेस्टर में नहीं था, अभी लास्ट सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में मेरा स्टैटिस्टिक्स है, और फर्स्ट और सेकंड में इकोनॉमिक्स था जो कि ऑनलाइन था। तो यही था सब्जेक्ट के बारे में। और अब आते हैं टीचर के बारे में कि अगर आप BCA ऑनर्स लेते हो तो आपको टीचर चाहिए या फिर नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो टीचर के पास ही पढ़ते थे 12th तक, हाँ आपको घर में भी पढ़ना पड़ता था ना, 12th तक तो आप घर में भी पढ़ते थे, आपको टीचर समझाते भी थे। वैसे ही जब आप कॉलेज में आओगे तब भी आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए टीचर लगेंगे, और आपको अपने खुद को प्रिपेयर करने के लिए आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज में भी बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको टीचर लगेंगे। हाँ, यूट्यूब वीडियोस है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना कि यूट्यूब वीडियोस में उसका
क्लियरली कोई डेफिनेशन नहीं रहता तब आपको टीचर लगेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हाँ BCA के लिए भी आपको टीचर लगेंगे। हाँ, अब आते हैं कौन सा टीचर लगेंगे। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको टीचर के सारे डिटेल्स दे दूँगी। लेकिन ऐसे पब्लिकली मैं आपको टीचर के डिटेल्स नहीं दे सकती, तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पर टेक्स्ट कीजिए। तो टीचर्स तो आपको चाहिए होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, टॉपिक के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस अभी तक मुझे नहीं पता चला है कि सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐड होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स शायद क्या बोलते हैं उसको निकाल दिए जाएंगे कोर्स में से। तो इसीलिए सब्जेक्ट के बारे सिलेबस के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। अब आते हैं सीट के बारे में। सिलीगुड़ी कॉलेज में अभी नए ईयर के लिए BCA के लिए 85 सीट्स अवेलेबल है। और इसी बात में मैं आपको बताती हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था, स्टूडेंट्स नहीं आप लोग मेरे जूनियर्स हो, तो बहुत सारे जूनियर्स ने मुझसे पूछा था कि दीदी मेरा 12th में मैथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या सिलीगुड़ी कॉलेज में BCA के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो हाँ जूनियर, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉलेज में BCA के लिए मैथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों में से कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर किसी ने आपको बताया कि हाँ BCA के लिए सिलीगुड़ी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको मैथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन को किसी में से कोई एक रहना पड़ेगा, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। ये ऑफिशियल बात मैं आपको बता रही हूँ कि सिलीगुड़ी कॉलेज में BCA के लिए मैथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन कंपलसरी नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं भी रहने से आप एडमिशन ले सकते हो या फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एक किसी ने मुझे क्वेरी किया था कि दीदी प्लीज़ वेस्ट बंगाल में BCA के लिए टॉप 10 कॉलेजेस सजेस्ट कीजिए। तो जूनियर, टॉप 10 तो बहुत दूर की बात है, आपको टॉप 5 कॉलेजेस भी नहीं मिलेंगे BCA के लिए गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में। जब मैंने BCA के लिए सर्च किया था कॉलेजेस, तो मुझे सिर्फ 2 ही कॉलेज मिले थे गवर्नमेंट कॉलेज BCA के लिए। एक है बर्धमान और बर्धवान में राज कॉलेज, और एक सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी कॉलेज। तो मैंने बर्धमान के राज कॉलेज को अवॉइड किया और सिलीगुड़ी के सिलीगुड़ी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। और एक बात मैं तो शेयर करना भूल ही गई थी कि जो पेमेंट सिस्टम है वो कैसा रहेगा। तो आपका ऑट सेमेस्टर में आपका एडमिशन, मतलब एक न्यू ईयर में आपका एडमिशन हो रहा है, तो उसका पेमेंट कुछ ज़्यादा होता है। तो कॉलेज फीस अराउंड 18 के रहता है, और जो एग्ज़ाम फीस है जो आपको यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा वो पड़ता है अराउंड 1 के। एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं आपको एक राउंड फिगर बोल रही हूँ। तो और सेमेस्टर में एडमिशन, टोटल एडमिशन मिला के आपको कुछ 19 के लगेंगे, और इवन सेमेस्टर में लगेंगे कुछ 17 के। तो ऐसा ही है पेमेंट सिस्टम। और एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर आप BCA लेते हो तब आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथ कंपलसरी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो फिर आपको साइंस बैकग्राउंड से होना पड़ेगा, लेकिन BCA के लिए कोई भी बैकग्राउंड वैरी नहीं करता है। बस आप HS इक्विवेलेंट किसी एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, बस यही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। HS और HS इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन आपको पास होना है बस। अब बात करते हैं स्टेट के बाहर से, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉलेज जो है वो वेस्ट बंगाल के अंडर आता है। तो अब बात करते हैं स्टेट के बाहर से, अगर कोई स्टूडेंट सिलीगुड़ी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हो तो वो भी ले सकते हो। सिर्फ आपके पास जो मिग्रेशन या माइग्रेशन जो भी बोलते हैं, जो भी लेटर मिलता है कॉलेज का, जो TC मिलता है, वो आपके पास रहना चाहिए बस। उसी से आपका वेरिफिकेशन टाइम में आपको वो कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा और आपका वेरिफिकेशन कॉलेज में हो जाएगा। तो यही था वीडियो, आई होप कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। ओ हाँ, मैंने तो बताया नहीं कि कंप्यूटर साइंस भी सिलीगुड़ी कॉलेज में है, और कंप्यूटर साइंस के 125 सीट्स है सिलीगुड़ी कॉलेज में, और BCA के 85 सीट्स है सिलीगुड़ी कॉलेज में, मतलब कि सिलीगुड़ी कॉलेज में। एंड अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा हिंदी कहा है तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आज का वीडियो तो इतना तक ही था, आई होप कि मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, आप बहुत सब कुछ अच्छे से समझ गए हो। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो फ्री होके कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।